हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। यार दोस्तों, फिर से मौका बन रहा है आपके लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपके बैट पे। और मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि पहले जो थे वो कम आईपीओ आ रहे थे, लेकिन अब फिर से आईपीओ की जो है वो सीजन स्टार्ट हो गई। 19 तारीख को 3 आईपीओ लॉन्च हुए और 21 तारीख को फिर से 3 आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। 22 तारीख को भी 2 आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। यानी आपके लिए मौका बन रहा है बढ़िया से आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ क्रिएट करने का। बात करें आज के दिन की, तो आज जो है वो 3 आईपीओ की लिस्टिंग हुई। या दोस्तों 20 तारीख आज 3 आईपीओ की लिस्टिंग हुई। इसमें सबसे पहले पॉजिस्ट्रॉन एनर्जी का आईपीओ लिस्ट हुआ, 90% प्रीमियम पर उसकी एंट्री हुई। उसके बाद उसमें अपर सर्किट लगा। सरस्वती सारी रिपोर्ट का आईपीओ भी आज लिस्ट हुआ, उसमें भी 21% प्रीमियम पर उसने एंट्री ली और उसके बाद फिर उसमें अपर सर्किट लग गई। उसके अलावा सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का आईपीओ वो भी आज लिस्ट हुआ, उसमें भी 90% प्रीमियम पर उन्होंने लिस्ट किया और उसमें भी अपर सर्किट लग गई। यानी ऑलमोस्ट 2 SME सेगमेंट के जो आईपीओ थे उसमें लोगों के पैसे डबल हो गए और एक मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ था उसमें 21% का मुनाफा उनको मिला। अब बात करें अपकमिंग आईपीओ, मैंने बताया वैसे 21 तारीख 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। अब वो 3 आईपीओ का मैं नाम बोलूं तो एक का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, एक का नाम है QVC एक्सपोर्ट और एक का है आइडियल टेक्नोप्लास इंडस्ट्रीज। या दोस्तों, ये सभी के डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर बना रखे हैं, वहाँ पर जाके आप सभी आईपीओ का डिटेल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। बात करें आज के वीडियो की, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं QVC एक्सपोर्ट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जाने अगर इस कंपनी की डिटेल, तो QVC एक्सपोर्ट लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ फेनर ऑयल्स सच इज हाई कार्बन सिलिकॉन मैग्नेशियम, लो कार्बन सिलिकॉन मैग्नेशियम, हाई कार्बन फेरो मैग्नेशियम और हाई कार्बन फेरोक्रोम एंड फेरो सिलिकॉन्स। यूनिक इसका बिजनेस कंसेप्ट है, यूनिक बिजनेस मॉडल पर ही वर्क कर रही है और ये कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है। आईपीओ की डिटेल्स चेक करें तो 21 तारीख को ओपन होगा, 23 तारीख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज 24.07 करोड़ रुपये तय किया गया है, इसमें से 17.63 करोड़ रुपये का जो है वो फ्रेश इश्यू होगा और 6.44 करोड़ रुपये का इसमें वो FSB शामिल होगा। इसकी प्राइस बैंड जो है वो 86 रुपीज तय की गई है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये और इक्विटी शेयर है। रिटेल कोटा 50% और NII के लिए 50% रिजर्व रखा गया है। SME सेगमेंट का आईपीओ होने वाला है 1600 शेयरों की। इसकी लॉट साइज है, एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें 1,37,600 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नज़र डालें इसके GMP ग्रे मार्केट की डिमांड पर, तो ग्रे मार्केट में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। 35% के लिस्टिंग गेन के साथ ये चल रहा है। 30 रुपये इसकी GMP चल रही है और यही GMP चलती रही तो इस IPO से आपको 35% का मुनाफा तो मिल सकता है। पर दोस्तों, आप सब जानते हो ये GMP जो है वो मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड होती है, डे बाय डे अपडेट होती रहती है और इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। पर ये डे बाय डे अपडेट आपको मिस नहीं करनी, आपको जाननी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इसके लेटेस्ट GMP चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी हमें जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी IPO से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहती है। चेक करें इसके अलॉटमेंट, इसके लिस्टिंग, तो इसका अलॉटमेंट आपको 26 अगस्त को मिलता है, 28 अगस्त को ये IPO मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है और आप आपका अलॉटमेंट इसके ऑफिशियल रजिस्टर कैमियो कॉरपोरेशन सर्विसेज लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो नीलेश कुमार शर्मा, मधु शर्मा, प्रीति शर्मा, मातासी मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटी व्यापार प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। वह इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के तौर पर खानवाला सिक्योरिटी लिमिटेड को तय किया गया है। नजर डालें इस आईपीओ की वैल्यूएशन पर, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 7.20 और इक्विटी शेयर है। पी रेशियो जो है वो इसका 11.94% है। इसका रिटर्न ऑन नेट पर जो है वो 17.75% है और इसकी नेट एसेट वैल्यू यानी जो NAV है वो 40.56 और इक्विटी शेयर देखेंगे। अब दोस्तों, नजर डालें कंपनी के प्रॉफिट पर, कंपनी के मुनाफे पर, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 0.91 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ के 1.71 करोड़ रुपये पर। यही नहीं, 2024 में इसके प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हुई, ये पहुंच गया 3.93 करोड़।
यानी कंपनी स्टेबली ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, जीएम पे भी इसकी बढ़िया चल रही है और इसी के साथ दो और आईपीओ ओपन हो रहे हैं, यानी तीन आईपीओ में आपके लिए रिव्यू की बात करूँ तो यस ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म का जरिया अगर आपका है तो आप इस आईपीओ में जरूर से इन्वेस्ट करना। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन मिल सकता है लेकिन फ्यूचरिस्टिक ये विजन है, कंपनी बढ़िया है, ग्रोथ कर रही है, आगे जाके आपको ज़्यादा मुनाफा भी इस आईपीओ से मिल सकता है। या दोस्तों इसके अलावा दो और ऑप्शन आपके पास मौका है तीन आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, तीनों में से किस आईपीओ को लेकर आप ज़्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और ऐसे आईपीओ की अपडेट अगर आपको मिस नहीं करनी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।